हेलो 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 फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर। सो गाइज, टुडेज अवर टॉपिक इज प्रेशर। सो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए बेसिकली, जैसे कि एक सुई होती है, अगर उस पर हमारा हाथ ऐसे जस्ट जस्ट टच भी हो जाए तो वो चुभती है ज़्यादा। बट अगर वही मटेरियल का जो आयन, एक आयन रॉड होगा बड़ा सा, और उस पे हमारा हाथ ऐसे टच हो जाए या फिर पूरा हाथ ऐसे रख देंगे पूरे फोर्स से, तो फिर वो इतना इम्पैक्ट, उतना डैमेज नहीं होगा। तो व्हाई देर इज़ द एग्जांपल, सेम मटेरियल हमने यूज़ किया है बट फिर भी दोनों में इम्पैक्ट अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है बेसिकली वो डिफरेंस है एरिया का, क्योंकि एरिया डिफरेंस होने के कारण एक एग्जाम्पल में एक एरिया जो है बहुत ही कम है और दूसरे एग्जाम्पल में एरिया बहुत ही ज़्यादा है। तो जिसमें एरिया कम है उसमें फोर्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा लगेगा, क्योंकि अगर प्रेशर की हम लोग बात कर रहे हैं तो प्रेशर की फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। तीसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मैं सिंपली एक लिक्विड में डाल देता हूँ, तो वो जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट पे सभी डायरेक्शन में कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। तो उस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहेगा, थोड़ा सा वॉल्यूम में उसको डिक्रीज करना चाहेगा। तो शेप तो वही रहेगी, अगर मैं स्पंज का बॉल पानी में डालूं तो पानी उस स्पंज पे सभी डायरेक्शन से इक्वली फोर्स लगाएगा, तो फिर स्पंज से जो पानी का जो फोर्स स्पंज पे लगेगा उससे क्या होगा कि स्पंज का जो पहले वॉल्यूम था और फिर पानी से निकालने के बाद जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पानी ने सभी डायरेक्शन से स्पंज पे फोर्स लगाया था, तो शेप वही रहा बट वॉल्यूम वहाँ पर डिक्रीज हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल्स प्रेशर फॉर्मूला सिंपल पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर हियर वी डिनोटेड एज बाय पी एंड फोर्स अपॉन एरिया। बेसिकली हमने जब आयन नील लिया था उस पर हम हाथ रख रहे थे तब एरिया क्या था, बहुत ही कम था। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर विल बी वेरी मोर, सो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। दूसरे एग्जाम्पल में जब मैंने पूरा आयन एक शीट लिया था, आयन शीट, तब उसका एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर तब कम लग रहा था। तो एरिया ज़्यादा, प्रेशर कम लग रहा था, तब हमें डैमेज कम दिखने को मिल रही थी। तो यही है प्रेशर का, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो। अगर उसके यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज न्यूटन मीटर टू इनवर्स, बट कोई पूछे एसआई यूनिट दैट इज पास्कल, सो दैट इज द सिंपल यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, अगर मैं प्रेशर फाइंड करना चाहूं, मतलब कि मुझे प्रेशर की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिमिट लिख दूंगा, लिमिट ए टेंस टू जीरो एंड फॉर्मूला इज रिमेनिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिमिट ले ली, जितना एरिया जीरो के नज़दीक होगा उतना मुझे प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, भले ही फोर्स कॉन्स्टेंट रह जाए बट वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ अवर प्रेशर कॉन्सेप्ट। प्रेशर के अकॉर्डिंग हमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। अगर डेंसिटी की यूनिट की बात की जाए तो यूनिट ऑफ डेंसिटी दैट इज किलोग्राम मीटर थ्री इनवर्स, सीजीएस में अगर कोई पूछे तो ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स, राइट। तो ये हमारा एसआई यूनिट है डेंसिटी का, और ये हमारा सीजीएस यूनिट है, दैट इज अवर सीजीएस यूनिट। अब नाउ रिलेटिव डेंसिटी, तो व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी, इट इज ऑल्सो वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। तो देर इज नो यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी इज इन फॉर्मूला, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी यूनिट विल बी कैंसल्ड आउट। सो रिलेटिव डेंसिटी में ये जो वैल्यू होगी, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस,
दैट इज फिक्स्ड वैल्यू 1 ग्राम सेंटीमीटर थ्री इनवर्स, और वी कैन कॉल इट एज 10^3 किलोग्राम मीटर थ्री इनवर्स, सिंपल एज दैट। सो ऐसे हम लोग डेंसिटी फाइंड कर पाएंगे और प्रेशर फाइंड कर पाएंगे। तो अलग अलग मटेरियल की डेंसिटी अलग अलग होगी। तो कोई भी मटेरियल पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना डेंस्ड है, मतलब कि कोई भी मटेरियल पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, दैट गिव्स द डेंसिटी कॉन्सेप्ट। सो दैट्स अवर टॉपिक प्रेशर। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो लेक्चर्स टिल द एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।